जम्मू कश्मीर जहां पर रह रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में आतंकी, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो यहां की भी गई हैं आतंकियों के जरिए, और इन्हीं में से एक उधमपुर में जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके की ये पूरी घटना है जहां पर मुठभेड़ हुई। उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लंबे वक्त से इसी तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, और ये उधमपुर जहां पर सर्च ऑपरेशन पिछले कुछ दिन से चल रहा था, घने जंगलों का इलाका, और ऐसे में शहादत हो गई है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर यहां शहीद हो गए हैं मुठभेड़ की इस घटना में। उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है, घने जंगल का ये इलाका है जहां पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की जान चली गई। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम रामनगर के चील इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी, उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की पहचान कुलदीप कुमार के रूप में हुई है, वो हरियाणा के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आज से चुनावी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले यह आतंकी वारदात हुई। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होंगे। इससे पहले डोडा में 14 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी के 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। वो डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड करने का काम कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। कल हमला हुआ जम्मू इस क्षेत्र में, जो कि कई साल से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है। जम्मू में खासतौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। यहां के घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां आतंकियों के लिए ऐसा लग रहा है कि सेफ गार्ड बन गई हैं, और इन्हीं परिस्थितियों का फायदा आतंकियों के जरिए रह रहकर उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये, एक के बाद एक इतनी शहादत हो गई, आतंकियों का खात्मा आखिर होगा कब? और सबसे बड़ी बात ये, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, इनके पीछे उद्देश्य है क्या, और कैसे इन्हें पूरी तरीके से रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, जम्मू कश्मीर में ये समझ लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए और उसके बाद से ही एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी भी हमारे सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए, उससे पहले एक और शहादत, उससे पहले एक और घटना, ये शहादत के सिलसिले बढ़ रहे हैं, और हिंदुस्तान में अब मांग भी उठ रही है, कब होगा शहादत का बदला? बिल्कुल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लगातार बीते महीनों से कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर अब उंगलियां उठना जो है शुरू हो गया है। लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है जम्मू के इलाकों में चलाए जा रहे हैं, और सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा नुकसान बीते कई महीनों में उठाना पड़ा। और कल जो है उधमपुर के इलाके में एक पेट्रोलिंग पार्टी सीआरपीएफ पर जो है हमला किया गया घात लगाकर, जिसमें एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर को जो है शरीर गोलियां जख्मी हुए, और उन्होंने जख्मों की ताब नलाते हुए दम तोड़ दिया। यानी एक शहादत जो है कल भी हमें देखने को मिली उधमपुर के इलाके में। यानी इस तरह के टेरर इंसिडेंट जो है बीते कई महीनों से लगातार हम देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके थे इस साइड से भी कई सारे इंसिलेशन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, और आतंकियों की संख्या 70 से 80 हो गई है। ये एक बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी, किस तरह से जम्मू में ये आसानी से सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करके भाग जाते हैं। हालांकि घने जंगलों का सहारा ये आतंकी ले रहे हैं, लेकिन इस पर जो है अब सुरक्षा बलों की तरफ से और अब जो है सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के 19 ऐसे डीएसपी जो है चुने गए जो इन एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, खासतौर पर जम्मू के इलाकों में जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं एक बड़ा कंसर्न है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन भी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की जरूरत है। और हमने देखा जब अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलती रही तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए थे, तो इसी तरह पीसफुल मैनर में जिस हिसाब से अमरनाथ यात्रा का जो है आगाज हुआ और बाद में इख्तिताम हुआ और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में लेकर कई सारी चुनौतियां हैं यहाँ पर जांच एजेंसियों के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी,
क्योंकि कई सारे हमले जो हमें देखे और सेना को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। जिस तरीके से अभी सेना मोर्चा संभाल रही है, चूंकि उधमपुर के बसंतगढ़ में ये मुठभेड़ जारी अभी भी है, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए, उसके बाद तो साथी जवानों ने और ज्यादा तेज कर दिया होगा ये ऑपरेशन। किस तरह की परिस्थिति है, ये एरिया कैसा है जहां पर ये मुठभेड़ अभी जारी है? बिल्कुल, उधमपुर के बसंतगढ़ की जब बात आती है तो घने जंगलाती वाला इलाका है ये, और खाली उधमपुर ही नहीं बल्कि डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में लगातार बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार संदिग्ध जो है इन इलाकों में दिख रहे हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ कि 70 से ऐसे ऐसे फॉरेन टेररिस्ट है जो इन जंगलाती इलाकों में अपना डेरा डाल के बैठे हुए है, और जिन्हें ढूंढने के लिए अब एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि किस तरह से इन आतंकियों का सफाया जो है जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल सेना पर जो है ये हमला करने में जो है कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं, और किस तरह से ये फिर इन जंगलाती इलाकों का सहारा लेकर भाग जाते हैं। फिलहाल कई जगहों पर जम्मू के दून में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और बसंतगढ़ के इलाके में कल जिस हिसाब से ये वारदात हुई, जब घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी सीआरपीएफ पर हमला किया, जिसके बाद वहां पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की तरफ से जो है एक बड़े पैमाने पर बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और बड़े ऑपरेशन में आतंकियों के खात्मे की कोशिश भी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय झंडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, लगातार रह रहकर अलग अलग मुठभेड़ हो रही है, अलग अलग तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा नुकसान है, जो लगातार शहादत की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें कैसे रोका जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से लगातार शहादतें जवानों को देनी पड़ रही हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है, और आप खासतौर पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ये काफ़ी चुनौती भरा जो है वो होने वाला है। आपको बताऊं हुआ क्या था, एक्चुअली एक पेट्रोल पार्टी जो है वो सीआरपीएफ के जवानों की और उनके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान रहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इस पेट्रोल पार्टी में आगे जा रहे थे, जंगल का इलाका था। दरअसल कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया जहाँ पर दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों को, एडिशनल ट्रूप्स को तैनात किया गया ताकि वहां पर जंगलों में अगर कोई आतंकियों की मूवमेंट दिखे तो तुरंत जो है वो एक्शन हो सके। दरअसल आतंकी जो है वो जंगलों में छुपे हुए हैं, ये उसी तरह की टुकड़ी थी जब ये वहां मूव कर रहे थे, एरिया डोमिनेशन कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है दूर से आतंकियों ने दूर से स्नाइपर का इस्तेमाल करके या स्कोप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके, वेपन का इस्तेमाल करके जो है सीआरपीएफ के एक जो इंस्पेक्टर हैं जो लीड कर रहे थे उस ग्रुप को, इंस्पेक्टर कुलदीप, उनको जो है वो निशाना बनाया, जिससे उनकी जो है वो जान गई है, वो शहीद हुए। दरअसल दूर से डिस्टेंस से फायर करने का जो ये नई पाकिस्तान की चाल है, इस चीज़ को समझना होगा। आपको बता दूं कि 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो कई बार इसी तरह से डिस्टेंस से रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर के जरिए टारगेट करने की कोशिश सुरक्षा बलों को, पॉलिटिशियंस को जो है वो होती रही है, और एक बार फिर से अगर इस तरह की कोशिशें तेज़ हुई हैं या शुरुआत हुई है तो यकीनन ये कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। जब वहाँ पर फायरिंग हुई तुरंत जो बाकी जवान थे वो अलर्ट हो गए, उन्होंने मोर्चा संभाला, मगर क्योंकि वो दूर से टारगेट किया गया था, आतंकियों ने फायर किया और उसके बाद वहाँ से भाग गए, और उसी के बाद से लगातार सर्च की जा रही है। रात के अंधेरे में बारिश भी हो रही थी वहाँ पर, उस टुकड़ी ने पहले मोर्चा संभाले रखा, कॉर्डन को रखा, और सुबह एडिशनल ट्रूप्स को जो है वहां पे डिप्लॉय किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको लगाया गया है, और पूरे इलाके की घेराबंदी करके उस इलाके को सर्च किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं ना कि ये जो इलाका है ये दरअसल उधमपुर जो टाउन है उससे लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है, चिल इलाका पड़ता है जिसका गाँव का नाम, और डुडू बसंतगढ़ का जो दूर दराज का इलाका है, यहाँ लगभग 1.5 महीने पहले एक जो टेररिस्ट जो है वो दिखे थे, जिसके बाद वहाँ पर जो विलेज डिफेंस गार्ड होते हैं उनके साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक VDG मेंबर जो है उनकी शहादत भी हुई, और उसके बाद से 3 बार यहाँ पर पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, मगर आतंकी जंगल का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, और इस बार भी उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी रची और दूर से इस टुकड़ी को निशाना बनाया, नुकसान किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए हैं। मगर कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि इस इलाके में जो उधमपुर ज़िले का है एक तरफ से कठुआ के साथ लगता है और दूसरी तरफ से डोडा के साथ, माना ही जा रहा है कि आतंकियों के लगभग 3 से 4 ग्रुप जो हैं, जिनका नंबर 4 से 5 एक ग्रुप का हो सकता है, ये उस इलाके में सक्रिय हैं, और जब भी उन्हें कोई नुकसान करने के लिए इशारा मिलता है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करने का प्रयास करते हैं। ये भी आशंका
जताई जा रही है कि दरअसल जो सरकार ने फैसला लिया है जंगलों में सुरक्षा बलों को तैनात करने का, उसी के चलते जब इन्होंने देखा है कि अब जंगलों में भी सुरक्षा बलों के जवान तैनात हुए हैं तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहीं ना कहीं एक दहशत डालने के लिए दूर से निशाना बनाकर इस टुकड़ी में सीआरपीएफ के एक जवान जो शहीद हुए इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह उनको निशाना बनाया है। अब जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इन खबरों पर ज़्यादा फोकस सुरक्षा बलों का है क्योंकि आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि दहशत पैदा कर सकें। सुरक्षा बलों का ये लगातार प्रयास है कि लोगों को सेफ सिक्योर माहौल दिया जा सके, और ऐसे में जब मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं, जब ये ऑपरेशंस चलते हैं और इस तरह से नुकसान होता है जैसा अभी कल शहादत हुई है, तो दिल को बड़ी तकलीफ भी आम लोगों को होती है। लेकिन आशिक मीर, जैसे अपडेट्स डिक्लेयर हो गई हैं इलेक्शन को लेकर, और ऐसे में ये गतिविधियां बढ़ना और हमारा भी नुकसान होना, ये शहादत होना, आम लोगों में रिएक्शंस किस तरीके के हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती तो अब ये भी रहेगा कि माहौल सेफ रहे, लोगों में दहशत ना रहे, लोग बिल्कुल फ्री माइंड के साथ घरों से निकलें और चुनाव में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, हमने देखा जब यहाँ पर बीते कुछ महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए और किस तरह से लोग यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा डालने के लिए और उन इलाकों में वोटिंग हुई जहाँ पर बायकॉट का ज्यादा असर रहता था, यानी लोग अब किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर अमन चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं लगातार इन आतंकी घटनाओं से। और जो हम बार बार देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीते दिन कुछ पहले जो है तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा इस मुहिम के तहत जो है हर एक इंसान के हाथ में तिरंगा था, और लगातार इस तरह आतंकी घटनाओं का होना एक आम इंसान के लिए परेशानी का बाइस भी बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 35 सालों में कश्मीर घाटी के लोगों ने बहुत कुछ सहा और झेला, जिसको लेकर अब 2019 के बाद जिस हिसाब से हालात माहौल जो है साजगार हुआ था और लोग यहाँ पर यही अमन चैन की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, और जिस हिसाब से लगातार बीते कुछ महीनों से जम्मू के कई इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि अब आतंकियों का बेस जो है जम्मू रीजन बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में ये आतंकी जो है जंग हार चुके हैं। और अब सितंबर में जिस हिसाब से 18 सितंबर से यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें लाजमी बनती है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आया, और इन्हीं बातों का जिक्र बीसीसीआई के चीफ की तरफ से भी किया गया कि किस तरह से लोगों की वो शाबाशी दे रहे थे कि डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से लोगों ने जो है हिस्सा डाला और आने वाले इलेक्शन में इसी तरह लोग जो है खुलकर सामने आ जाएंगे। और ये बात लोगों का घरों से निकलना, ज्यादा वोटिंग होना, लोकसभा इलेक्शंस में लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, या आतंक परस पाकिस्तान को पसंद नहीं आया और इसीलिए साजिशें तेज हो गई। अजय, चूंकि जम्मू से आप बिलोंग करते हैं, जम्मू जो पिछले दो दशक से ज्यादा का वक्त रहा सेफ रहा, शांत रहा, वहां दहशत पैदा करने की कोशिश को किस तरीके से देखें? और चूंकि बतौर पत्रकार आप और हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि चैलेंज बढ़ने वाला है विधानसभा इलेक्शन के दौरान, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल, वो भी इन बातों को सोच रहे होंगे, कुछ खास इंतजाम या कुछ खास स्ट्रैटेजी अपनाने की खबरें हैं क्या? देखिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो आप देखें कश्मीर में दरअसल जब आतंकियों का सफाया हुआ, आतंकी कमांडर मारे गए, तो आम लोगों की शमूलियत उसमें रही। दूसरी तरफ ये होता था जी कि जब भी मुठभेड़ होती थी, अगर उसमें कोई सिविलियन मारा जाता तो पाकिस्तान का जो एजेंडा, जिस चीज़ को लेकर पाकिस्तान चल रहा था कि कश्मीर में भारत जुल्म करता है, सुरक्षा बल जुल्म करते हैं, उसमें कुछ और चीज़ निकल कर सामने आती थी कि कैसे आतंकी जो हैं वो सिविलियंस को टारगेट करना शुरू हो गए थे, तो वहाँ पर जो सपोर्ट बेस था इन आतंकियों को वो खत्म हो गया, वो कम हो गया। और उसके बाद आतंकियों ने जब देखा कि कश्मीर में सपोर्ट बेस नहीं है, कश्मीर में आम लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद एनकाउंटर होता है और ज्यादातर आतंकी जो वहां सक्रिय थे, टॉप कमांडर जो है वो मारे जाते हैं, इसके लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली कि अब कश्मीर नहीं, जम्मू को एक बार फिर से जो है वो अशांत किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर अशांति नहीं होगी तो कश्मीर को सूट नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखें तो पिछले कुछ समय में 80 से 90 आतंकी घुसपैठ करके जम्मू में पहुंचे। पाकिस्तान ने उन आतंकियों और उनके
जो लिंक्स थे यानी कि जो पाकिस्तान में, दरअसल आपको ये भी बता दूं कि जम्मू से कई ऐसे, जम्मू के जो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी, यहाँ से कई ऐसे जो युवा थे जो आतंक में शामिल हुए और उसके बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उन्होंने अपना डेरा जमाया, वहीं से उन्होंने अपने फिर नेटवर्क को शुरू किया, सक्रिय किया और पाकिस्तान और ISI जो है उनके जरिए, उनकी मदद से जो है यहाँ पर फिर से उस नेटवर्क को जिंदा करके यहाँ पर आतंकी घुसपैठ करवाना शुरू किया। इसी वजह से 80 से 90 आतंकी यहाँ पहुँचे। अब वही आतंकी डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, रियासी हो या फिर राजौरी पुंछ के इलाके, यहाँ पे वो सक्रिय हैं और वहाँ जंगलों में बैठे हैं। दरअसल जम्मू में जो है जंगल इस तरह से हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और पिछले कुछ समय में जब LAC पे तनाव हुआ था तो रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स जो कि जम्मू के इन इलाकों में राजौरी पुंछ का, रियासी का इलाका या किश्तवाड़ डोडा का इलाका, यहाँ से उसे मूव करके वो लद्दाख भेज दिया गया था। तो वो जंगल के इलाके अपरिचित जो थे वो खाली हो गए। उसी को कैप्चर करने का या इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकियों को इन जंगलों में जो है डेरा डालने का निर्देश दिया और उसी कारण आप देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकी गतियां बढ़ी हैं। अब ऐसी आतंकी गतिविधियों पर नजर सुरक्षा बलों की है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनपुट्स निकाल रही हैं, खंगाल रही हैं। आगे सेफ सिक्योर माहौल बनाना है और चैलेंजेस बहुत से हैं। देखना होगा आगे कैसे कंट्रोल होती हैं ये आतंकी घटनाएं।